जी साहब जी, मैं फाखरा बोल रही हूँ। काम हो गया है, मैं फ्लैट से निकल रही हूँ, अब क्या करना है? ठीक है साहब जी, मैं आती हूँ। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं शाह जी, किसी को कोई शक नहीं पड़ा। मैंने वो अलमारी में छुपा के रख दिए हैं और वो लोग बहुत अच्छे थे। मेरे सामने खड़े होके मेरे दुश्मन की तारीफ कर रही हो तुम? नहीं लगा अच्छा मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया तुमने हमारा, इसलिए माफी है इसके लिए। बस गांव जाने की तैयारी करो, वो निहाल तुम्हें गांव छोड़ आएगा। काला को बता दूं शाहजी, मैं वापस जा रही हूँ। जरूरत नहीं है, काला तक खबर पहुंच जाएगी। रख लो, तनख्वाह है तुम्हारी, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। ये तो बहुत सारे हैं शाहजी। रख लो, और जब तक मैं ना बुलाऊं शहर नहीं आना, और अगर बहुत जरूरी कोई काम हो तो फोन कर लेना, समझ गई? शाहजी गांव में अगर कोई पूछे तो मैं क्या बताऊं कि मैं खाला को छोड़ के क्यों आ गई? कहना कि खाला ने वापस भेज दिया, वो वही काम कर रही है, साहब को अब जरूरत नहीं थी तो मैं गांव वापस आ गई। ठीक है? ठीक है शाहजी। चल जाओ। अरे मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपा रहा हूं? ऐसा क्या होगा? मेरा ऐसा कौन सा राज है जो तुमसे छुपा है? पता नहीं, कोई तो ऐसा राज है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। नहीं सुमेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमसे हर बात शेयर करता हूं। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हेलो, लगता है मेरी बात तेरे भेजे में घुसी नहीं। कौन बोल रहा है और क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है तू। जो काम की बात है वो करो, वक्त नहीं है मेरे पास। आखिरी बार समझा रहा हूं, किसी को टपका देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर तेरी मौत तेरे खानदान और तेरे घर वालों के लिए शायद बड़ी बात हो। बेहतर है लगाम डाल दे अपने जज्बात पर भी और अपने कलम पर भी, वरना तैयार रहे, किसी भी दिन तेरी ऊपर की फ्लाइट ओके कर लूंगा मैं। तुम? हेलो हेलो, क्या हुआ, कौन था? मुझे लगता है वही शख्स था जिसने मुझे पहली दफा भी धमकी दी थी। उफ, ये क्या नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुझे लगता है तुम्हें पुलिस से मदद ले लेनी चाहिए, वरना। सुनो सुमेरा, प्लीज तुम एक काम करो, अम्मी को लेकर लाहौर चले जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, बल्कि हो सके तो आज रात को ही निकल जाओ। अभी? अरे ऐसा क्या हो गया है? प्लीज सुमेरा, समझने की कोशिश करो, मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे पहले भी धमका चुके हैं। देखो मेरे ऊपर अटैक भी हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि अम्मी के सामने कुछ हो जाए। प्लीज प्लीज तुम उन्हें यहाँ से ले जाओ। लेकिन फूफो से क्या कहेंगे, उन्हें क्यों भेज रहे हो? कुछ भी कह दो यार, वहां जाके कोई बहाना कर लेना, बस उनको ले जाओ यहाँ से, और प्लीज उन्हें कुछ पता ना चले। हम तो चले जाएंगे, तुम्हें पीछे से कुछ हो गया तो तुम भी साथ चलो ना। नहीं, मेरा चुपना हल नहीं है, मुझे यहाँ रह के इन लोगों का सामना करना होगा, कानूनी कार्रवाई करनी होगी इनके खिलाफ, लगाम देना होगा इन लोगों को। अरे प्लीज अपना ख्याल रखना, और गुस्से और तैश में आके कोई ऐसा काम मत कर जाना जिससे तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचे। फिक्र ना करो, मैंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। प्लीज तुम बस आज निकल जाओ मेरे साथ। ओके, मैं सोचती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? बस बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, मुझे बिस्तर से भी उठ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ले आ, ले आ, इधर रखो भाई। ये तो आप बहुत ले आए। अरे वाकई इतना सारा आप क्यों ले आए, क्या जरूरत थी? गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बिल्कुल ज्यादा नहीं है जी, बस आप खाना लगवाइए। और नवीन नजर नहीं आ रही मुझे। अपने कमरे में होगी, और जाहिर है अपनी किताबों के साथ। मैं बुलाती हूँ। जी जी जी, आइए। आप आइए। बेटा तुमने बहुत तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कैसा जी? मैं तो बस आप लोगों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं सच में आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अच्छी बातें करते हो बेटा, हम तुम्हारे खुलूस और मोहब्बत पर शक करेंगे क्या? जीशान शाह साहब, इंसान को अपनी मोहब्बत और खुलूस पर यकीन होना चाहिए, उसे किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाकई खलूस को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों हुआ, मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। शायद अकेले रह रहे के डरने लगा हूं मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अब तो आप हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो अकेले तो नहीं हुए ना? जी। और लो ना। खाने के बाद अगर अच्छी सी ग्रीन टी मिल जाए तो वो फिर खुशी मुकम्मल हो जाती है। हाँ, क्यों नहीं है? मैं बना के ला। एक जरूरी बात करना चाह रहा था मैं जी। जी जी फरमाई। देखिए मेरी कुर्बत आप लोगों के लिए रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, और रोज का आना जाना मेरा यहाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग तरह तरह की बातें बनाए। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम मंगनी की रस्म कर लें, शादी के लिए टाइम ले लेते हैं हम, तो कम से कम उससे ये होगा कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, मुझे आने जाने में कोई आर नहीं होगा। ये मेरी तजवीज़ है, बाकी जैसे आप लोगों की खुशी। ठीक है, मैं नवीन से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए ठीक, ये बल्कि ज़्यादा मुनासिब है। बेटा तुमसे जीशान शाह के हवाले से बात करनी थी। जी कीजिए। बेटा जीशान शाह चलते चलते एक बात कह गए, वो चाहते हैं कि मंगनी हो जाए ताकि यहाँ आने जाने का उसे जवाब मिल जाए। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि जीशान शाह ने कहा है कि हम पहले तुम्हारी मर्जी मालूम कर लें। पर मेरी मर्जी तो वही है जो आप लोग चाहते हैं। आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। बेटा कल अगर तुमने मना कर दिया तो हमारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। नहीं अब्बा, मैं ऐसा कोई काम कभी नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। तो क्या तुम अब भी ये समझती हो कि हम तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोच रहे? देखो बेटा, तुम आजकल में अच्छी तरह से सोच लो, हर पहलू से सोचो और फिर हमें जवाब दो। अम्मा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। देखो अब जब तुमने उसे बहुत करीब से देख लिया है, वो अच्छा आदमी है, तुम्हें खुश रखेगा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना, आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, जब उसने कह दिया कि जैसे आपकी मर्जी, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम उसे पहले समझा रही थी, अब जब वो राजी हो गई तो तुम शक कर रही हो। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि कहीं वो हमारी वजह से दिल पर पत्थर रखकर हाँ तो नहीं कह रहे। ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल पैदा कर देते हैं। कोई मुश्किल नहीं होती, खाम खा तुम लोगों ने शादी को मसला बना दिया है। मैं
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कम ऑन नवीन, ये सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। तुमने मेरी सिफारिश की है ना? नहीं, वैसे भी तुम्हारे कलम को मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें औकात से बढ़कर इज्जत मिल जाती। तुम सिर्फ ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे कलम को रास्ता मिल रहा है मंजिल तक पहुंचने का? उसको जाने दो, अपने कलम का रास्ता खुद मत रोको नवीन। ये सफर बहुत मुश्किल है और मैं इसे तन्हा नहीं तय कर सकूंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। और कहीं तुमने साथ छोड़ दिया तो? नवीन, बिछड़ने का अंदेशा वहां होता है जहां मंजिल अलग हो, तो यकीनन रास्ते में जुदा हो ही जाते हैं। लेकिन जहां मंजिल एक हो वहां बिछड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे, फिर कुछ सोचा जा सकता है। वैसे मैंने देखा है तुम मुझे बहुत ओवर एस्टिमेट करते हो। ये फैसले तुम वक्त पे क्यों नहीं छोड़ देती? अगर तुम्हारे कलाम में ताकत है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारा साथ देंगे। इस वक्त मेरी नजर मंजिल पे है, रास्ते पे नहीं। और तुम्हें रास्ता मिल रहा है, और वकार उस्मानी अच्छा बंदा है। हाँ, लेकिन मेरी नजर सिर्फ रास्ते पे नहीं बल्कि उसमें आने वाली दुश्वारियों पर भी है, जिनको शायद तुम इग्नोर कर रहे हो। रास्ते की दुश्वारियों पर नजर डालोगी तो डर जाओगी। मत देखो, बस तुम चलती जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस हफ्ते तुमने 3 छुट्टियां की हैं, खैरियत? सर, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी और HM साहब को इन्फॉर्म भी कर दिया था मैंने। हेलो जी, मेरे दोस्त, मेरे हमदम DSP राव, राहिल राव, क्या हाल है जनाब? अरे अरे जहे नसीब, शाह साहब खैरियत तो है? इतने दिनों के बाद हमें कैसे याद किया आपने? अरे हमने सोचा कि हमारे दोस्त जो हैं वो CM ड्यूटी में इतने बिजी रहते हैं, क्यों ना एक और जिम्मेदारी डाल दी जाए इनके ऊपर। जी जी, हुक्म कीजिए। आपके इलाके में कुछ लोग हैं जो माशर्ती जनाई में मुलाविस हैं। अच्छा शोर होता है, लेकिन धोखा, चलता फिरता धोखा, सफेद झूठ, ऊपर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और है। और जी तो चाहता है कि ऐसे लोगों को। किसकी बात कर रहे हैं आप? जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? ये वारंट है हमारे पास। जी, तलाशी ले सकते हैं। थैंक्स।
ये सब क्या मिस्टर हरि? मुझे नहीं पता ये सब चीजें मेरे घर में कहां से आई हैं। हमें इत्तला मिली थी कि तुम शहर के बड़े लोगों को शराब सप्लाई करते हो और मनशात भी इस्तेमाल करते हो, और हाँ अपने खास लोगों तक भी पहुंचाते हो। क्या? और आपके खिलाफ तो ये इल्ज़ाम भी है कि बड़ी रकम लेने के बाद आप चंद बड़े सियासतदानों के खिलाफ कॉलम और आर्टिकल भी लिखते हो, जो कि आपकी वतन दुश्मनी की तरफ इशारा करते हैं। सारे फैसले आपने खुद ही करने हैं, मुझे कुछ बोलने का मौका भी देंगे? आपके घर से शराब और चरस बरामद हुई है, लिहाजा आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा हमारे साथ। लेकिन मैं नहीं जानता ये चीजें कहां से आई हैं मेरे घर में। सब पता चल जाएगा। आ ले चलो। देखे मैं नहीं जानता कि मेरे खिलाफ कौन जाल बुनना चाह रहे। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और अपने फराइज जानता हूं। मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो आप मुझे यहां ले आए। जो चीजें मेरे घर से बरामद हुई है मैं नहीं जानता वहां कैसे पहुंची। ये साजिश है मेरे खिलाफ। ये मामला तो खुद देखिए कि कौन क्या कर रहा है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और आप कानून को बेहतर समझते हैं, इसलिए ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप यहां पर एक मुजरिम की हैसियत से हैं। और आजी साहब का सख्त ऑर्डर है कि किसी मुजरिम को माफ ना किया जाए, तो बराए मेहरबानी हमसे तावन करें और हमें साफ साफ बता दें। क्या साफ साफ बताऊं? और आपने अभी मुझे एक मुजरिम कहा है। मैं मुजरिम नहीं हूं और यह बात अदालत साबित करेगी। ये तो देखा जाएगा। मैं जरा आता हूं। कोर्ट जाने की बात कर रहा है। हाँ हाँ काटो FIR, दो चार दिन रखो इसको अंदर, जब तक इसकी शोहरत इसकी बदनामी में तब्दील ना हो जाए। जो जी चाहता है करो, लेकिन हाथ बचा कर। बेफिक्र है जनाब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शरीफ आदमियों को कैसे समझा जाता है। आप क्या समझते हैं अपनी सहाफत के जोर पर आप रिहा हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं आप मुझे इस तरह टॉर्चर कर सकते हैं? अभी मैं आपको फोन पर बताता हूं कि किससे मैं बात कर। मिस्टर आरिफ, आपको अभी किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं समझता हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिस्टर आरिफ, कोई भी लफ्ज ऐसा ना निकालिएगा कि आपकी सजा बढ़ जाए, क्योंकि आप इस वक्त किसी अखबार के दफ्तर में नहीं, पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, और मैं जरा एक बदनाम किस्म का इंस्पेक्टर हूं। मुजरिम की जान नहीं छोड़ता जब तक मैं उसकी चीखें ना सुन लूं। अरे यार, आरिफ गिरफ्तार हो गया यार, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता, वो तो एक ईमानदार साहबी है। अरे यार, जो आदमी सिस्टम की खराबी से लड़ रहा हो वही रिश्वत लेगा, ये कैसे हो सकता है? लगता है उसे किसी ने फंसाया है। हेलो आलिया, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ आरिफ के बारे में? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, किसी ने उसे फंसा दिया है, उसके घर पे शराब और मंशियात रखकर, पैसे लेकर आर्टिकल लिखने का भी इल्जाम है। ये तो बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता। अवाम का बड़ा शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर चेक करो, लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आती हूँ। लेकिन तुम्हारी छुट्टियों के दिन तो अभी बाकी हैं। नहीं नहीं मैं आ रही हूँ।
कहाँ जा रही हो बेटा? वो फूफो, दरअसल बात ये है, आप परेशान नहीं हो, लेकिन आरिफ को ना पुलिस पकड़ के ले गई, इसलिए मुझे कराची जाना पड़ेगा। क्या पुलिस पकड़ कर ले गई? कैसी गलतफहमी? आप परेशान ना हो, मैं वहां जाके देखती हूँ और आपको फोन पे भी सब तफसील से बता दूंगी। मेरा बच्चा किन मुश्किलात में घिरा हुआ है, ना जाने कितने दुख है उसके नसीब में। फूफो आप टेंशन ना लेना, जिन लोगों के खिलाफ आरिफ लिख रहा है उन्होंने साजिश के तहत उससे फंसाया है। मैं जाके देखती हूँ, आप टेंशन ना ले, इतनी अंधेर थोड़ी है कि कोई कुछ भी करे। ठीक है, चले, दाफस। दाफस। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे रहम करना, किन मुश्किलात में गिर गया मेरा बच्चा। अगर आप उस लड़की के बारे में मजीद कुछ बता देंगी तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आम सी घर में काम करने वाली मुलाजमा थी वो। देखो मेरी बात सुनो, जब पार्टी तुम्हें बिजनेस देती है तो तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए। लड़ने आया तो मेरे साथ? चल आजा, आजा मेरे से बोल। हाँ यार जिशान शाह, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। हेलो, मुबारक हो जिशान शाह साहब, नवीन ने मंगनी के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। ओह दैट्स अ ग्रेट न्यूज, थैंक यू वेरी मच। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। रहमत, शेर खान, फसल कहाँ हो भाई? हाँ रहमत, एक काम करो, जाओ मिठाई लाओ और सब में भागो। साहब जी, ये किस खुशी में? मंगनी हो रही है हमारी, इस घर में इस घर की मालकिन आ रही है, तो मिठाइयां तो बनती है ना। कैसे हो? और बेगम की तबीयत कैसी है? बेहतर है। ये आपस में बांट लेना। ऐसा मूड तो मैंने साहब का कभी नहीं देखा। काश के साहब जी का मूड ऐसे ही हमेशा रहे। अरे पागल, साहब लोगों का मूड ना मौसम की तरह होता है, वो कभी जाड़ा तो कभी गर्मी। चल बिलाखिर तुम राजी हो ही गई। तुमने बहुत इम्तिहान लिया है मेरा, बहुत सताया है मुझे, लेकिन अब तुम मेरे मुकम्मल इख्तियार में आने वाली हो। मैं आज तक वो दिन नहीं भूला जब धुतकारा था तुमने मुझे। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हें हासिल करना है, और अब तुम मुझे हासिल हो रही हो, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, जैसे कोई फल किसी के दामन में टूट के खुद ही गिर जाए। आओ नौरीन, आओ, बड़ा इंतजार है मुझे तुम्हारा, लेकिन ये ना समझना कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तो बस तुम्हारे अंदाज से हासिल कर रहा हूं तुम्हें।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहले बताया तो है कि किसी ने उस मुलाजमा के जरिए वहां चीजें रखवाई हैं। अच्छा, तो लड़की कहाँ है, कहाँ गायब हो गई? वो आरिफ की वालदा दूसरे शहर जा रही थी, तो जाने से पहले उन्होंने लड़की को नौकरी से निकाल दिया था। आरिफ नहीं चाहता था कि घर में वो लड़की अकेले उसके साथ रहे। देखिए सुमेरा साहिबा, आपकी इन बातों पर तो यकीन किया जा सकता है कि आरिफ के खिलाफ साजिश हो रही है, मगर मैं यकीन ना करने पे मजबूर हूँ कि वह सबूत आरिफ के घर से निकले हैं और तफ्तीश अभी जारी है। अगर आप उस लड़की के बारे में मजीद कुछ बता देंगी तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आम सी घर में काम करने वाली मुलाजमा थी, वो काम की तलाश में आई थी तो आरिफ ने घर पे रख लिया काम पे। मुझे बहुत हैरत है कि आरिफ साहब ने एक अजनबी लड़की को घर पे मुलाजमा कैसे रख लिया बगैर छानबीन किए, जबकि आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आरिफ साहब कितना हसास काम करते हैं। उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है, वो लड़की मिल जाएगी तो केस एक घंटे में सॉल्व हो जाएगा। ओके, वेट करो, बता रहा हूं मैं। निशान जी, क्या चक्कर चल रहा है यार? कौन सा चक्कर? सच सच बताओ, ये काम तुम्हारा है ना? काम? कौन सा काम भाई? मैं आरिफ वाले केस की बात कर रहा हूं। आरे वाले केस की बात कर रहा है? तुझे मुझ पे शक क्यों हो गया भाई? वो इसलिए कि आरिफ का तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो ठीक है, मुझसे दुश्मनी मोल ली है उसने, लेट हिम सफर, भुगत लेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम यार, अवामी रद्द अमल है, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरिफ मुजरिम है। सच पूछे तो मुझे तो बड़ा सुकून है यार, बहुत सुकून हो जाए। बड़ी हक के ऊपर लड़ाइयां लड़ रहा था वो, ये बैठा हुआ था ना FIA सेंटर में, तफ्तीश हो रही थी ना। मुझे लगता है कि तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो। आरिफ ने अपना वकील कर लिया है और वो वकील उसी की तरह पागल है, बाल की खाल निकालता है, बात ज्यादा दिन तक छुपेगी नहीं। अरे क्या कर लेगा उसका वकील, क्या कर लेगा, फांसी लगवा देगा मुझे। अगर तफ्तीश शुरू हो गई तो बात बहुत आगे तक जाएगी। मिनिस्टर साहब बहुत फिक्रमंद है, उन्होंने पार्टी के लोगों से कह दिया है कि ये काम अगर उनमें से किसी ने किया है तो बहुत गलत किया है, और इस मामले को वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हल हो जाए। ये कहीं मिनिस्टर भी उसको फरिश्ता तो नहीं समझने लग गया? ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो बेदाग है। बेदाग? जानता हूं बड़ी अच्छी तरह, लेकिन इतना रुस्वा कर दूंगा मैं उसे, इतना रुस्वा कर दूंगा कि नवीन को उससे नफरत हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस से भी उसको नफरत हो जाएगी। यार अब तुम्हारा मसला क्या है, मंगनी कर चुके हो, शादी होने वाली है, तुम आरिफ के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? अरे क्यों हमदर्दी हो रही है तुझे उसके साथ? हमदर्दी मुझे आरिफ से नहीं बल्कि पार्टी से है, जो शायद तुम भूल रहे हो कि क्योंकि पार्टी में तुम नहीं हो, पार्टी में मैं हूं, इसीलिए तुम पार्टी का ख्याल नहीं करते हो, सिर्फ बिजनेस और अपने मामलात में नजर रखा हुआ तुमने। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, अगर मैं अपना वफाद देखता हूँ क्या बुराई है इसमें? फोन देखो मेरी बात सुनो, जब पार्टी तुम्हें बिजनेस देती है तो तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए। लड़ने आया तुम्हें साथ? चलो आजा, आजा लड़ते हैं बोलो। हाँ यार जिशान शाह, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूं, ये बात तू अच्छी तरह जानता है। आरिफ मामूली शख्स नहीं है, हलक की हड्डी बन जाएगा वो, फंस जाएगा, खा लेगा हमें। देख मेरी बात सुन, मुझे जो भी फैसला करना है अपनी पार्टी के मुफाद में करना है। अरे अरे आप। What a friend, yeah. अरे अपनी खैर बनाओ, गलत आदमी से पंगा ले लिया तुमने, गलत आदमी से।